हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम बात करेंगे एक इंडक्शन कुकटॉप के बारे में। एक इंडक्शन कुकटॉप हमारे यहाँ रिपेयरिंग के लिए आया हुआ सन फ्लेम का, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो E0 का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें E0 एरर आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या फॉल्ट है जो कि इसमें E0 एरर इसमें आ रहा है, और किस तरीके से हम लोग इसको ईजी रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अभी तक अपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी आने वाली मज़ेदार वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा एक सन फ्लेम का इंडक्शन कुकटॉप है जो कि हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें E0 एरर आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि E0 एरर इसमें क्यों आ रहा है। E0 एरर आने के मुख्यतः कई कारण होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले खोल लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ कि इसके कारण क्या क्या हैं और ये क्यों आखिर E0 एरर क्यों आ रहा है। तो ये मैंने इसको खोल लिया। अब मैं इसको दोबारा से बंद करूँगा, क्योंकि मुझको कुछ डाउट हो रहा कि मेरा कोई एक वायर है जो कि मुझको खोलने से उसका खींच गया है। तो मैं इसको बंद करके दोबारा से चेक करूँगा। नहीं नहीं, वो मेरा खोलने में ही खींच गया है। अब मुझे लग रहा था कि वो पहले से ही निकला है, वो मेरा अभी हमने खोला ना तो उसका वायर निकल गया, खींच गया, तो इसलिए मुझे डाउट था। तो मैंने उसको दोबारा से फिर से ऑन किया। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसमें आखिर क्या फॉल्ट है। तो इसकी मैग्नेट कॉइल को हम लोग खोल लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि E0 के मुख्यतः इसमें कई कारण होते हैं कि E0 एरर आने के। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका बर्तन इसमें फ्लैट नहीं होगा और उसकी तली थोड़ी सी कभी कभी बनाते खाना बनाते बनाते उसकी तली उभर जाती है, अगर आपकी तली इसमें उभर गई होगी और बर्तन वो सेंस नहीं कर रहा मेरा सेंसर, तब भी इसमें E0 एरर आ रहा होता है। खैर ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, लेकिन इसमें बर्तन का कोई भी फॉल्ट नहीं है। इसमें बर्तन मेरा ओके था, लेकिन फिर भी इसमें E0 एरर आ रहा था। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर E0 एरर क्यों आ रहा है। तो मैंने इसकी सर्किट को भी खोल लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी PCB पहले भी रिपेयर हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कहां से क्या फॉल्ट है कि हमारा E0 एरर इसमें आ रहा है। तो हमने इसको चेक किया, एक्चुअली इतना ज़्यादा कंपटेटिव इसका फॉल्ट था कि मैं प्रॉपर वीडियो इसकी नहीं बना पाया और आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन आशा करता हूं कि आप अगर टेक्नीशियन भाई हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा नॉलेज तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब मैंने कहा आधी वीडियो मैंने शूट की है तो मैं इसमें डालूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो इसकी नहीं बना पाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें फंस चुका था उस फॉल्ट में। जल्दी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इसका फॉल्ट कहाँ से है। तो मैंने इसके IGBT को और इसके रेक्टिफायर को मैंने चेक किया, जिसकी रेजिस्टेंस मेरे की बिल्कुल ओके थी। इसका मैंने सेंसर भी चेक किया, वो भी हमारा ओके था। इसका रेजिस्टेंस भी हमारा ओके था, इसका कैपेसिटर भी हमारा ओके था। इस सारी चीज़ें चेक करने के बाद सारी चीज़ें मेरी इसमें ओके हैं, फिर भी इसमें फॉल्ट मुझको नहीं मिला। फिर मैं इसमें लास्ट में इसके मैं मुझे डाउट हो रहा था कि जो IGBT और रेक्टिफायर लगा है इसमें जो मेरा रंगा लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा रंगा इसमें लगा हुआ था, वो गंदी तरीके से रंगा लगा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने सोचा साफ़ कर दें, शायद कोई यहाँ से फॉल्ट तो नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद में मैंने इसको हटाया यहाँ से। और इसको अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेते हैं। और इसका जो फॉल्ट है हमारा, इसका फॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, केवल इसमें एक प्रीसेट होता है हमारा। अगर आप टेक्नीशियन भाई हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारा एक साइड में इसका प्रीसेट लगा होता है, वो हमारा इसका प्रीसेट ख़राब हो गया था, जो कि इसमें 2K का प्रीसेट लगा होता है। उसको जब मैंने उसकी रेजिस्टेंस चेक की तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही थी, मतलब कि जो कि हमारी सप्लाई थी वो आगे वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था हमारा प्रीसेट, इसलिए वहाँ से उसका प्रीसेट ही वीक हो रहा था। तो मैंने इसके प्रीसेट को हटा करके बाहर चेक किया, लेकिन बाहर भी इसका प्रीसेट हमारा प्रॉपर वर्क पे नहीं था। तो मुझको लगभग थोड़ा सा तसल्ली मिली कि इसका प्रीसेट ही वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने इसके प्रीसेट को हटा दिया है और इसकी जगह पे मैंने 2K का प्रीसेट इसमें लगा दिया है। लेकिन आपके पास अगर प्रीसेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 220 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, तब भी आपका इंडक्शन प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप इंडक्शन की जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं
तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी कि कभी अगर भविष्य में आपको E0 एरर का फेस करना पड़े तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट हमको इसमें चेक करने हैं। IGBT, रेक्टिफायर, सेंसर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, IC, सारी चीज़ें आप चेक करें। इसके बाद भी अगर आपको फॉल्ट नहीं मिलता है तो आप सीधे जा कर के प्रीसेट को चेक करें कि प्रीसेट तो मेरा गड़बड़ नहीं है, और अगर प्रीसेट गड़बड़ है तो फॉल्ट यहीं पर है प्रीसेट में। प्रीसेट को आप चेंज करें और आपका इंडक्शन बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इसमें मुझे फॉल्ट मिल गया है जो कि प्रीसेट का था, प्रीसेट मैंने इसमें लगा दिया है, और अब हम देखते हैं कि इंडक्शन मेरा क्या वर्क करता है। तो चलिए, मैंने इसको बांध दिया है और अब हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरा इंडक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं इसके स्विच को, प्लग को लगाता हूँ और स्विच को ऑन करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि इंडक्शन मेरा ऑन हो गया है और अभी E0 आ रहा है, क्योंकि बर्तन नहीं रखा हुआ है तो इसमें हम बर्तन अपना रखते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो ये मैंने इसके बर्तन को इसमें रख दिया है और ये आप देख सकते हैं कि हमारा इंडक्शन इसमें अब प्रॉपर वर्क कर रहा है, पानी इसमें बॉयल होने लगा। तो इसमें समस्या सिर्फ और सिर्फ यही थी कि इसका जो प्रीसेट था वो ख़राब था। तो अगर कोई भी नए टेक्नीशियन भाई हैं तो प्लीज़ इस तरीके से आप भी अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।